एवरीबडी, माय नेम इज मनीषा और आज मैं आपको क्लास टेंथ का जो फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ जो कि ऑब्जेक्टिव भी कह सकते हैं या फिर वन मार्कर वे में, मतलब कि ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट आंसर्स हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। फर्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है टेंथ में, जो फर्स्ट चैप्टर है वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। नाम से ही क्लियर हो रहा है बहुत सारी रिएक्शंस की बात हो रही होगी, बहुत सारी इक्वेशंस की बात हो रही होगी, तो फर्स्ट क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है। अब ये जो चैप्टर है इसमें 6 टाइप्स की मेन रिएक्शन होती है, अभी मैं उनके बारे में नहीं बात कर रही हूँ, यहाँ पे जो बात कर रही हूँ सबसे पहले जो है टाइप ऑफ रिएक्शन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। होता क्या है इस प्रोसेस में, ये एक ऐसा प्रोसेस है रिएक्शन का या उस टाइप की रिएक्शन जिसके अंदर हीट मेन जो कंपोनेंट है वो है हीट, तो इसमें जो हीट है वो होती है इवॉल्व या फिर रिलीज। ठीक है, ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व या रिलीज होती है उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है C+O2 गिव्स CO2। ठीक है, CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट। तो इस रिएक्शन में व्हाट यू कैन सी, यहाँ पे हीट जो है वो रिलीज हो रही है और इवॉल्व हो रही है, तो ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये तो जो आपका NCERT में गिवन है उस बेस्ड पे एग्जाम्पल है। इसके अलावा एक जो कॉमन एग्जाम्पल है, जो पॉपुलर एग्जाम्पल है एक्सोथर्मिक का, वो है NaCl। सबने सुना होगा NaCl क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, Na फॉर सोडियम एंड Cl फॉर क्लोराइड। ठीक है, तो ये जो सोडियम क्लोराइड है ये इसका साइंटिफिक नेम है, वैसे इसको बोलते हैं कॉमन सॉल्ट। जो हम घर में खाने के लिए यूज करते हैं वो यही है कॉमन सॉल्ट। ठीक है, सो अब इसमें जो रिएक्शन है इसमें क्या क्या जो है, एक जो है सोडियम और एक है क्लोरीन। ठीक है, जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक कंपाउंड हमें मिलता है, दैट इज NaCl। तो ये एक एग्जांपल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, ये बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल है एक्सोथर्मिक का, NaCl कॉमन सॉल्ट बोलते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कॉमन सॉल्ट का क्या फॉर्मूला है, तो आप लिख सकते हैं NaCl। एक्सोथर्मिक के बाद में जो नेक्स्ट है वो है एंडोथर्मिक, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं एंडोथर्मिक। ठीक है, इसमें क्या है, जैसे कि एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होती है या इवॉल्व होती है तो उस प्रोसेस को हम एक्सोथर्मिक कहते हैं, ऐसे ही एंडोथर्मिक में हीट जो है वो एब्जॉर्ब होती है, ये इसका वाइस वर्सा है। कई बार एग्जाम में इन दोनों में डिफरेंस भी आता है तो आप ऐसे लिख सकते हैं। अब जैसे इसमें मैंने रिएक्शन लिखी है C+O2 गिव CO2 प्लस हीट, तो यहाँ पे जो C है ये कार्बन, ये सॉलिड फॉर्म में होता है, O2 मीन्स ऑक्सीजन, ये गैस है, और जो CO2 हमें मिली ये भी क्या है, गैस। आप साइड में चाहे तो लिख सकते हैं। इसके अलावा जो एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक में क्या होता है, हीट इज एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल है N2+O2 गिव्स 2NO। जो मैंने यहाँ पे 2 लगाया है ये बैलेंसिंग के लिए, इक्वेशन बैलेंस होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, तो N2O2 और गिव्स 2NO, इस प्रोसेस में हीट क्या है, एब्जॉर्ब हो रही है, हीट इज एब्जॉर्ब। इसके अलावा जो इसके कुछ कॉमन एग्जांपल्स है एंडोथर्मिक के, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस सबने सुना होगा। इसमें जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद से बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो फोटोसिंथेसिस एंडोथर्मिक का ही एक एग्जाम्पल है। ठीक है, इसमें जो हीट है फोटोसिंथेसिस, ठीक है, इसमें हीट जो है वो एब्जॉर्ब होती है। इसके अलावा मेल्टिंग ऑफ आइस हो सकता है, ये कुछ डे टू डे लाइफ के एग्जांपल है जो सबने देखे होंगे बट शायद ऑब्जर्व ना करें, अब इसके बाद आप इसको ऑब्जर्व कर लेंगे। तो फोटोसिंथेसिस हो गया, मेल्टिंग ऑफ आइस, ये कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं जो कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस के होते हैं। इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के बाद में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है टाइप्स ऑफ रिएक्शन। जो इसमें मेन टाइप ऑफ रिएक्शन फर्स्ट चैप्टर में, सॉरी यहाँ पे ना 10th लिखना था और मैंने 12th लिख दिया, यहाँ जो 10th का जो फर्स्ट चैप्टर है इसमें जो मेन जो केमिकल रिएक्शन है वो है टाइप्स ऑफ रिएक्शन। आप लिख सकते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन है कॉम्बिनेशन। मैं इतना स्लो इसलिए लिख रही हूँ कि आपको इसमें चौक की बिल्कुल भी आवाज ना आए, बट फिर भी थोड़ी बहुत तो आई गई है। कॉम्बिनेशन, इसके अलावा डीकम्पोजिशन,
डीकम्पोजिशन के बाद में है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के बाद में है डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद में है रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। अब देखिए यहाँ पे मैंने टाइप्स ऑफ रिएक्शन लिखे हैं, फर्स्ट है कॉम्बिनेशन, सेकंड डीकम्पोजिशन, थर्ड डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्थ वन इज डबल डिस्प्लेसमेंट एंड नंबर फाइव इज रेडॉक्स रिएक्शन। अगर इस तरीके से देखें तो टोटल फाइव टाइप्स ऑफ रिएक्शन है, लेकिन जो रेडॉक्स रिएक्शन है इसमें हमारे पास दो आते हैं, एक होता है ऑक्सीडेशन एंड सेकेंड वन इज रिडक्शन। तो इन दोनों को आप अगर दो काउंट करते हैं तो आपके पास टोटल सिक्स टाइप्स ऑफ रिएक्शन है, और यू कैन से नेम रिएक्शन है, ठीक है। सो रेडॉक्स में आपके दो टाइप्स होते हैं, रेडॉक्स वर्ड दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक तो रेड आरईडी इसका मतलब है रिडक्शन, और ऑक्सीडेशन से आया है जिसका मतलब है ऑक्सीडेशन। तो टोटल आपके पास सिक्स टाइप्स ऑफ नेम रिएक्शन है। इसके अलावा अगर इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज रिडक्शन, तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जब कभी भी यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर रिएक्शन में हाइड्रोजन सॉरी ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर किसी भी रिएक्शन में नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स बढ़ते जा रहे हैं तो इसका मतलब वहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसके बाद में रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ या एडिंग ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। सो अगर किसी रिएक्शन में नंबर ऑफ हाइड्रोजन बढ़ते जा रहे हैं इसका मतलब वहां पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। और अगर किसी रिएक्शन में नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स बढ़ते जा रहे हैं इसका मतलब वहां पे हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स थे टाइप्स ऑफ रिएक्शन में, जैसे फर्स्ट है कॉम्बिनेशन डीकम्पोजिशन, नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट, इनका पेयर बना हुआ है, इसके बाद में रेडॉक्स। तो टोटल सिक्स टाइप्स होते हैं, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या है। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। स्टिल कोई भी डाउट है आप मुझे कॉमेंट करिए, मैं उसको क्लियर कर दूंगी। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, ये जो सिल्वर क्लोराइड है इसे डार्क कलर की बॉटल्स में या फिर अंधेरे में क्यों रखा जाता है। तो इतना तो समझ आ गया होगा कि ऑब्वियसली इसमें कुछ रिएक्शन होगी, बट क्या और किस टाइप से होता है वो मैं समझाती हूँ आपको। सिल्वर क्लोराइड है इसे हमेशा डार्क कलर की बॉटल्स में या कवर्ड बॉटल में रखा जाता है। इसका रीजन ये है, ये बाय द एक्शन ऑफ सनलाइट, ठीक है, इसमें जो है रिएक्शन हो जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, रिएक्शन हो जाती है, ठीक है, सनलाइट की वजह से। मैंने शॉर्ट में लिखा, आप इसको प्लीज पूरा स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख लेना। इसके अलावा जब सिल्वर क्लोराइड इस मेटल के ऊपर जब सन रेज पड़ती हैं तो ये डीकम्पोज होता है, ठीक है। किस किस में डीकम्पोज होता है, एक तो होता है ये सिल्वर मेटल में और क्लोरीन गैस में। जो सिल्वर क्लोराइड है सनलाइट जब इसके ऊपर पड़ती है तो ये दो पार्ट्स में डीकम्पोज हो जाता है, फर्स्ट एक तो ये सिल्वर मेटल और सेकेंड होता है क्लोरीन गैस में। ये जो रिएक्शन है सिल्वर मेटल और क्लोरीन गैस की, इस प्रोसेस को हम यूज करते हैं ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, ठीक है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इसका यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो सनलाइट की साइड इसकी जो सेंसिटिविटी होती है सिल्वर क्लोराइड आयन्स की वो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था कि जो सिल्वर क्लोराइड की जो सिल्वर क्लोराइड है उसको हम डार्क कलर की बॉटल्स में क्यों रखते हैं। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस पसंद आए होंगे और समझ भी आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।